दिल्ली धमाके की जगह पर देखे गए थे तीन संदिग्ध। एक संदिग्ध सफेद रंग की टी शर्ट में नजर आया है, सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है, और ये तीनों संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पॉलिथीन बैग में रखा गया था विस्फोटक, जो सूत्र बता रहे हैं विस्फोटक को जमीन में दबाकर कूड़े से ढका गया था। यही वो एरिया है जहां पर ब्लास्ट हुआ था सीसीटीवी में। और फिर उसके बाद देखिए सीसीटीवी जो सामने आया इसमें तीन संदिग्ध नजर भी आ रहे हैं। पॉलिथीन बैग में ये विस्फोटक छिपा कर रखा गया था, ये जानकारी मिल रही है। और विस्फोटक को जमीन में दबाकर कूड़े से छिपाया गया था, ये भी जानकारी मिल रही है। जो प्लानिंग की गई थी इस धमाके के लिए, वो प्लानिंग की को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। अब धमाके वाली जगह से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर किस तरह से अटैक हुआ। दिल्ली के प्रशांत विहार में रविवार की सुबह 7:45 पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि स्कूल की बाउंड्री वॉल में छेद हो जाता है, और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो दीवार पर उसको जले हुए निशान मिलते हैं। आप देखेंगे ये वो छेद है जो धमाके की वजह से हुआ था, और दीवार अगर आप देखेंगे काफी दूर तक दीवार पर कुछ केमिकल जैसी चीजें पड़ी हैं, दीवार हल्की सी जल सी गई है। उसके बाद यहाँ पर NIA स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, CFSL पहुंची थी। यहां पर NSD की टीम ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के तमाम CCTV फुटेज को कब्जे में लिया, खंगाला है। पुलिस को CCTV में तीन संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं। एक संदिग्ध सफेद रंग की टी शर्ट पहनकर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो शनिवार की रात को काफी देर तक इस स्पॉट पर लगा था। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक पॉलिथीन में जो विस्फोटक था उसको रखा गया था, गड्ढा खोदा गया आधे से एक फीट का, और उसके बाद उस गड्ढे में वो विस्फोटक रखा गया और उसके बाद उसको कूड़े से ढक दिया गया था। और अगले दिन सुबह ये ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी, काफी ज्यादा धुआं उठा था, काफी दूर तक वो धुआं देखा गया था, और आसपास की जो बिल्डिंग थी उसके कांच टूट गए थे, कारों के शीशे भी टूट गए थे। फिलहाल पुलिस कई एंगल से तफ्तीश कर रही है, जिसमें खालिस्तानी एंगल, पाकिस्तानी एंगल, इसके अलावा नक्सलों के साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या किसी की शरारत तो नहीं है। लेकिन फिलहाल जो संदिग्ध तीन नजर आ रहे हैं CCTV में, उनको लेकर के पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। तो मौका है घटना से आपने पुनीत की रिपोर्ट देखी, आइए कुछ डिटेल आपको और बताते हैं। दिल्ली पुलिस की FIR जो दर्ज हुई है इस मामले में, इस धमाके को लेकर, वो क्या है, इसमें क्या क्या है। रोहिणी ब्लास्ट केस में जो FIR है उसमें क्या क्या बातें आपको बताते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि स्कूल की दीवार में बड़ा सा गड्ढा हुआ, जहां से पुनीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। धमाके के बाद सफेद धुएं का एक गुबार उठता हुआ भी दिखाई दिया, और कई किलोमीटर तक इसका एहसास भी रहा। धमाके वाली जगह सफेद पाउडर मिला है, सफेद पाउडर, और ये सबूतों का हिस्सा हो सकता है। धमाके से सामने की दुकानों के खिड़की के शीशे टूटे हैं, साइन बोर्ड तक टूट गए, ये भी जानकारी मिल रही है। और PCR कॉल करने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है कि जिसके जरिए कॉल आया था PCR को, कॉलर ने ये बताया कि वो घर में सो रहा था तभी जोरदार धमाके की आवाज आती है इसी रोहिणी इलाके से। किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ इसकी जानकारी नहीं है। और धमाका 20 अक्टूबर को सुबह लगभग 7:40 पे हुआ, ये FIR में कहा गया है। तो ये जो डिटेल्स हैं ये मिनट्स आपको बता रहे हैं जो FIR में मौजूद हैं। हमारे साथ पुनीत शर्मा भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। इस पूरे धमाके के पीछे जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एंगल भी हो सकता है, खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है, क्या कुछ डिटेल में इस वक्त जांच के लिहाज से ये पूरी जानकारियां मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ NIA भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। शुरुआती तफ्तीश जो चार एंगल पर आधारित है। सबसे पहले क्या किसी की शरारत तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया सुबह 7:45 पर, और जो जगह है वो भी एक ऐसी जगह थी जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंदेशा है, ऐसा शक है कि हो सकता है ब्लास्ट के द्वारा किसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश की गई हो, यानी कि मकसद था कि कैजुअल्टी ना हो लेकिन एक मैसेज जाए जांच एजेंसियों को। दूसरा खालिस्तानी एंगल, क्योंकि ब्लास्ट के कुछ देर बाद ये एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आता है जिसमें खालिस्तानी संगठन इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेता है और इस बात को आगाह करता है जांच एजेंसियों की, अगर उनके ऊपर एक्शन हुआ तो आगे से ये धमाके और भी किए जाएंगे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर। इसके अलावा पाकिस्तानी एंगल भी इसमें तलाशा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि पाक बेस्ड कुछ टेरर ग्रुप है जो दिल्ली और इसके अलावा कई मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट कर सकते हैं।
इसके अलावा सीआरपीएफ स्कूल है, तो लिहाजा इस एंगल से भी तफ्तीश चल रही है कि कहीं किसी नक्सली ग्रोह का तो हाथ नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार के आदेश पर जो सीआरपी है वो लगातार नक्सलियों के ऊपर नकेल कस रही है, लगातार उनके खिलाफ अभियान चला रही है, तो उसको लेकर भी हो सकता है ये उनकी तरफ से ब्लास्ट किया गया हो। तो ये तमाम एंगल है जिन पर फिलहाल जांच एजेंसी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उनमें से तीन लोगों के बारे में पता चला, ये तीन संदिग्ध थे जिसमें से एक व्हाइट टी शर्ट पहने हुए था, उससे लगातार उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई है, और लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा जांच एजेंसी को इंतजार है एनएसजी की फोरेंसिक टीम जो मौके पर पहुंची थी, जिसने सैंपल्स इकट्ठे किए थे उनके उनकी रिपोर्ट का, ताकि पता चल सके आखिरकार यह जो ब्लास्ट था इसमें किस तरीके के सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया था, किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। तीन स्तर पर जांच आगे बढ़ रही है, एक पाकिस्तानी एंगल को भी खंगाला जा रहा है, दूसरी तरफ खालिस्तानी एंगल की भी जांच हो रही है इन्वेस्टिगेशन में, और क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल की बात है तो ऐसे में क्या नक्सली एंगल भी जुड़ा हुआ है, ये भी इसकी भी जांच पड़ताल हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जितेंद्र हमें पहुंचा रहे थे।